वैसे तो तू बहुत बकबक करता है, अभी तेरे को क्या हो गया? जब तेरे से काम कराएगी तो बोल देना, तीन मेरे को थोड़ा चीतोगी तो मैं मर जाऊंगा, छोटा सा बह गया हूँ मैं, भगवान काहे को दिया मेरे को। ओके, आज तो मैं कह दूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे मैंने विराट कोहली की ये वाली ड्राइंग कैसे बनाई, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। अब ड्राइंग बनाने से पहले हमें अपनी जो फोटो है और हमारी जो ड्राइंग सीट है उस पर हमें ग्रिड बनानी पड़ेगी। ग्रिड बनाने के लिए हमें कौन सा ऐप यूज़ करना है और हमें ड्राइंग सीट पे कैसे ग्रिड बनानी है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है ग्रिड वाली, उसे जाके जरूर देखना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है कौन सा ऐप यूज़ करो, कैसे ग्रिड बनानी है, सब कुछ मैंने फुल्ली एक्सप्लेन रखा है उसमें, उसे जाके देख सकते हो। उसके बाद जो हमारी फोटो है उसको हमें ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, उसकी सैचुरेशन जो है पूरी लो कर देनी है एडिट में जा करके, और जस्ट में जाना वहाँ पे से सैचुरेशन बिल्कुल लो कर देना, मेरी तो पहले से ही ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसके बाद बनाएंगे आउटलाइन। आउटलाइन बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मैकेनिकल पेंसिल, इसकी जो ये लिड होती है बहुत पतली होती है तो बहुत अच्छे से आउटलाइन बन जाती है। अगर लिड ख़त्म हो जाए तो मार्केट पे मिल जाती है आसानी से, आप ला सकते हो, उस तरीके से होती हैं, और जब ख़त्म हो जाए तो एक ख़त्म हो जाए तो दूसरी ला सकते हो आप, अच्छे से आसानी से चले जाती हैं, पतली होती हैं तो आउटलाइन बनाने के लिए भी अच्छी होती हैं और शेडिंग वगैरह करने के लिए भी सही रहती हैं। इसमें 2B 10 मतलब 3B इस तरीके से इसकी लिड आती है। मैं 0.7 की यूज़ कर रही हूँ, 0.5 की भी मिलती हैं, इससे पतली भी होती हैं मोटी भी होती हैं, मैं 0.7 की यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी आउटलाइन बनाना। तो आउटलाइन बनाते समय बहुत आराम से ध्यान से बनानी चाहिए, गिन लेना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म होगी, बीच सेंटर में बनानी चाहिए, तो अच्छे से देख लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही डिटेलिंग वर्क करनी है तो इस तरीके से आप जो हमने ग्रिड बना रखी है उसके ऊपर क्रिस क्रॉस करके ये वाली ग्रिड भी बना सकते हो, इससे डिटेलिंग वर्क जो है बहुत आसानी से हो जाता है। आउटलाइन जो है बहुत अच्छे से और आराम से बनानी पड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ के लिए स्ट्रक्चर पर ही निर्भर करता है कि वो चीज़ कैसी बनेगी, इसलिए हमारी जो आउटलाइन है उसे हमें बहुत अच्छे से बनाए मेजरमेंट के साथ कहाँ पर क्या है, तो आराम से टाइम लगा के अपनी आउटलाइन को बनाएंगे। अब ड्राइंग बनाते बनाते हमें चेक भी करते रहना है कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं ड्राइंग करते रहती हूँ और बाद में देखती हूँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहता है। अब हमारी आउटलाइन पूरी बन चुकी है तो अब हम करेंगे शेडिंग। ओके ओके, नई पेंसिल ऑर्डर कर देती हूँ। ओके थैंक्स लू, पर पेंसिल तो 4-5 दिन बाद आएगा, आज तो तुम्हें से काम करना पड़ेगा। अब ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले जितनी भी पेंसिल आप यूज़ करने वाले हो ड्राइंग के लिए उन सबको अच्छे से छिल लेना है, नुकीला बना लेना है, ताकि आपको ड्राइंग करते समय कोई भी परेशानी ना हो। अब जब भी मैं अपनी ड्राइंग बनाती हूँ तो सबसे पहले जितने भी डार्कर एरिया है उन सबको अच्छे से शेड कर लेती हूँ, उसके बाद लाइटर एरिया को शेड करती हूँ। यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ हेयर्स। अब हेयर्स ड्रॉ करते समय आपको पेंसिल से घिसते हुए नहीं ले जाना है, आप एक पेंसिल पकड़ी उसके बाद घिस दिया, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले एक लेयर बनानी है जहाँ को आपके हेयर्स के स्ट्रोक्स आ रहे हैं वहाँ आपको उस डायरेक्शन पर लगाना है, उसके बाद फिर डार्कर एरिया से जितने भी डार्कर एरिया है उसको डार्क पेंसिल से शेड करना है, उसके बाद ब्लेंड करने के बाद हाईलाइट करना है उन सारे पार्ट को, इस तरीके से हेयर्स ड्रॉ किया जाते हैं। प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है मैं इसके बाद हेयर्स का डालने वाली हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको कि आप रियलिस्टिक हेयर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो।
अब जब मेरे पूरे बाल बन जाएंगे उसके बाद मैं करूँगी हाईलाइट, मैं कर रही इरेजर से हाईलाइट। जो मैंने फोटो ली थी आर्ट बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग की हेयर्स पे। जब भी आप हाईलाइट करते हो अपने जो भी कोई ड्राइंग बना रहे हो, जो भी पार्ट आप हाईलाइट कर रहे हो, उसके बाद वो है जो रियलिस्टिक लगने लगता है। तो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है अपने जो भी पार्ट पे, जो भी आप बना रहे हो उस पे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी आप कोई अपने स्केच का पार्ट ड्रॉ करो तो उसको बहुत अच्छे से और टाइम लगा के ड्रॉ करना चाहिए, तभी वो रियलिस्टिक लगता है। अगर आप जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं बनेगा और बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आइज़ ड्रॉ कर रही हूँ तो इसमें मैंने बहुत टाइम लगा के बहुत अच्छे से ड्रॉ करी है, तभी रियलिस्टिक लगेंगी। अब जैसे अभी बहुत सारे पार्ट कट कर दिए हैं इसलिए बहुत कम टाइम लगा, लेकिन मैं लगाए होंगे इसमें 2-3 घंटे तो आइज़ ड्रॉ करने पर लगाए होंगे। उसके बाद अच्छे से लाइट शेडिंग कर लेनी है, उसके बाद डार्क कर लिया, लेयर बाय लेयर काम करना है तो बहुत टाइम लगता है और अच्छा ड्रॉ होता है, अच्छा रियलिस्टिक लुक आता है स्केच का। तो जब भी आप ड्रॉ करो तो अच्छे से, जब आपके पास टाइम हो तभी ड्रॉ करो, जितना भी टाइम हो, कम टाइम है तो उसके हिसाब से ड्रॉ करो। जैसे थोड़ा ही ड्रॉ होगा लेकिन बहुत अच्छा ड्रॉ होगा जब भी लास्ट में जब आप देखोगे। तो जब भी आप जैसे थोड़ा भी टाइम है तो उस समय थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ऐसा नहीं पूरा बनाने की कोशिश मत करो, थोड़ा जितना टाइम है उसके हिसाब से ड्रॉ करो, थोड़ा सा कर लो फिर थोड़ा कल कर लो हिसाब से, हल्के हल्के करोगे तो अच्छे से ड्रॉ होगा। तो अगर जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं बनेगा, रियलिस्टिक नहीं आएगा लुक। तो आराम से जितना टाइम लगाओगे अपने स्केच पे उतना अच्छा स्केच बनता है। Top down, we drive a 45 wind in our face. Yeah, no time to think about slowing down, fuck yesterday. Let's go out to the city lights, girl, got me feeling right, fading away. Yeah, it's right now, I think we need in that long holiday. Got that real ice for you. Come soon, that girl gon' stay the night through. I think that I love you, no one else above you. Feeling like we've been okay. See, it's time to get away now. Moving to a new town, driving down the Monterey. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि मैं आगे कौन सी वीडियो अपलोड करूँ। अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स डालने वाली हूँ, हेयर ट्यूटोरियल्स, आई ट्यूटोरियल्स, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने नई वीडियो अपलोड करी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।